सब्सक्राइब कीजिए रघुखाना फिटनेस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट न्यूट्रिशन और फिटनेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट्स अप फैमिली, दिस इज योर फ्रेंड रघुखाना। आप देख रहे हैं रघुखाना फिटनेस। गाइस, आज एक नए प्रोडक्ट व्यू के साथ हूँ, बट ये कोई वे प्रोटीन नहीं है, कोई क्रिएटिन BCAA कुछ नहीं है, ये एक अलग से एक फूड आइटम है। बेसिकली कोई सप्लीमेंट नहीं है, ये फूड आइटम है, बट ये न्यूट्रिशियस फूड आइटम है और एक टेस्टी फूड आइटम है। और इसके बारे में मुझे कमेंट्स आए थे, मैसेज आए थे कि सर ये चीज़ें बाय करने लायक हैं या नहीं हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रोटीन बार्स आती हैं, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि हाँ, आप इसको एज ए स्नैक यूज़ कर सकते हो। और मील रिप्लेसमेंट शेक्स आते हैं, आप इसको एज ए स्नैक यूज़ कर सकते हो। सो मेरे पास भी एक चिप्स हैं, तो ये कौन से हैं? मेरे पास है नाइट्रोटेक के प्रोटीन चिप्स, ये हैं नाचो चीज़ फ्लेवर। और दो पैकेट्स मेरे पास आए थे, एक मैं खा चुका हूँ, भूल गया वीडियो बनाना, तो दूसरे के वक्त याद आया मुझे कि चलो वीडियो बना देता हूँ, मंगवाए ही किस लिए थे। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। सो गाइस, पहले बात करते हैं इसमें आपको मिलता क्या है, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन और बाकी इम्पोर्टर कौन है और इसका आपको प्राइस क्या मिलता है। सो क्या आपको पता है कि मसल टेक कंपनी है, उसका नाइट्रोटेक वे प्रोटीन भी आता है, और यही नाइट्रोटेक चिप्स और बार्स भी मसल टेक की तरफ से ही हैं। और इम्पोर्टर जो है इसका इंडिया में, वो है MPN। और इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, इस प्रोडक्ट का प्राइस जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है MRP 250 रुपीज़। ठीक है, अगर आपको ये सिंगल मिलता है तो इसकी MRP 250 रुपीज़ है, बट आपको ये डिस्काउंट में मिल जाता है ऑलमोस्ट 190 रुपये के करीब अमेज़ोन पे। और इसका 5-6 का पैक भी आता है, आपको 1100 रुपये के करीब मिल जाता है, डिस्काउंट हो तो 900 रुपये के करीब भी मैंने देखा था एक बार। और गाइस, ये जो चिप्स हैं ये 100% वेजिटेरियन हैं, कोई भी इसमें चीज़, कोई भी लाइक एग वगैरह या कोई नॉन वेजिटेरियन चीज़ इसमें नहीं डाली गई है, एग तक भी नहीं है। और गाइस, ये जो पैकिंग होती है वो होती है 25 ग्राम की, उसमें आपको क्या मिलता है, उसमें आपको जो कैलोरीज हैं वो मिलती हैं 99, काफ़ी कम कैलोरीज हैं, और जो फैट है 2.7 ग्राम्स है, थोड़ा बहुत तो फैट रहेगा ही। और कार्ब्स हैं 8.4 ग्राम, 8.5 ग्राम के करीब, शुगर है 0.8 ग्राम, बहुत ही सही है, और फाइबर है 0.8 ग्राम, ठीक है, सॉल्ट है 0.55 ग्राम्स। और बाकी जो प्रोटीन है मेन चीज़, जो हम फिटनेस एंथुसियास्ट प्रोटीन के पीछे भागते रहते हैं, वो इसमें कितना है, वो इसमें आपको मिल रहा है 10 ग्राम। तो भाई लोगों, देखिए, आपको कार्ब्स में मिल रहे हैं 8.4 ग्राम्स और प्रोटीन आपको मिल रहा है 10 ग्राम, मतलब प्रोटीन ज़्यादा है कार्ब से, सही खेल के भाई। बट एक चीज़ जो है कि ये थोड़ा महंगा पड़ता है इससे, मतलब अगर आप कोई अच्छी, अगर आप नाइट्रोटेक या अल्टीमेट कहीं चलो आप ले लो, अगर आप वे प्रोटीन बाय करते हो तो आपको एक सर्विंग पड़ती है, अगर आपको महंगा भी मिले तब बात कर रहा हूँ, आपको एक सर्विंग भी पड़ती है उसकी 60 से 70 से 75 रुपये के बीच, जिसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो ये आपको मिल रहा है 150 से लेके 180 रुपये के बीच, जिसमें आपको सिर्फ 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। बस ये शौकीनियाँ ही हैं अभी, मतलब अगर आपको कोई टेस्टी चीज़, अगर चिप्स खाने का मन कर रहा है आपको, गंदे चिप्स बाजार के नहीं खाने, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर आपको हेल्दी चिप्स खाने हैं तो फिर आप इसके लिए जा सकते हो, कहीं आप ट्रैवल पे जा रहे हो तो फिर आप इसके लिए जा सकते हो। और कभी आपको टेस्टी खाने का मन कर रहा है, आप कैलोरी डेफिसिट में हो, तो आप दिन में 100 कैलोरी का है ये, इसको खा सकते हो एक मील आपका। कई बार ना डाइटिंग में मुँह फीका रहता है तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो आप तब इसको खा सकते हो, सही चीज़ है। 25 ग्राम का है, 99 कैलोरीज हैं इसमें, 10 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं इसके टेस्ट की, टेस्ट का नाचो चीज़ फ्लेवर है मेरे पास, जो कि काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, इसके ऊपर भी लिखा रहता है ग्रेट टेस्टिंग, तो मैं तभी समझ गया था कि हाँ इसका टेस्ट अच्छा होगा। तो चलिए आपको टेस्ट बता देता हूँ, मैंने वैसे भी इसको खाना था, इवनिंग का टाइम है, स्नैक्स चाहिए थे, इसकी फ्रेगरेंस भी ठीक ठाक रहती है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये अंदर से इस तरह के होते हैं, देख लीजिए आप, पूरे राउंड ऐसे आपको थिएटर्स में मिलते हैं नाचोस, सेम वैसा ही है। पर ठीक है गाइस, इसका टेस्ट मैं आपको बता रहा था कि अच्छा टेस्ट है, आप खाने लायक है, अच्छा टेस्ट है, ये नहीं आप कह सकते कि काफ़ी अच्छा टेस्ट है, जैसे लेस का अमेरिकन वाला फ्लेवर आता है ग्रीन कलर का, वैसा टेस्ट होगा, गजब
थोड़ा सा हार्ड टेस्ट है, थोड़े से हार्ड चिप्स हैं, बट क्या है कि आप इसको खा सकते हो क्योंकि आप भाई आपको इसमें 10 ग्राम प्रोटीन भी तो मिल रहा है। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू नाइट्रोटेक के प्रोटीन चिप्स के ऊपर।